स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का हमारे चैनल में। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप करके मत जाएं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल भगवती इंग्लिश क्लासेस में। और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सिंपल सेंटेंस। उसका रूल्स क्या है, उसके सेंटेंसों को हम कैसे बनाते हैं, हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, उसके रूल्स में कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, मेन वर्ब में क्या लगेगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और शुरू से अंत तक आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहें, स्किप ना करें। जब भी आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग छोड़ करके मत जाएँ और वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। माली, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की पहचान लो। ये सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट का पहचान होना ज़रूरी है। जब आप सब्जेक्ट पहचान जाएंगे, तो उसी हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब को लगा पाएंगे। क्या कर पाएंगे, सुबह से मतलब जो है उसके हेल्पिंग वर्ब को लगा पाएंगे। अब यहाँ देखें, यहाँ का सब्जेक्ट है माली। तो माली का द गार्डनर, काम ही नहीं कर रहा है। देखे द गार्डनर, द गार्डनर। अब इसके साथ क्या लगेगा, बिल लगेगा, क्योंकि आई बी के साथ ही सेल लगता है। तो बिल हैव बीन, क्या होगा, बिल हैव बीन द गार्डनर, बिल हैव बीन। अब यहाँ पर सींचना, जिसे रोना, काम करना, पढ़ाना या पढ़ना, रहना, सफाई करना, रहना, भोजन पकाना, ठीक है, यहाँ पकाना, आना, याद करना, देखना, खाना, ये हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। और इसमें क्या है कि मेन वर्ब में आई एन जी लग जाएगा। तो जैसे सींचना को वाटर है, वाटर, आई एन जी लग जाएगा, वाटरिंग। द गार्डनर विल हैव वाटरिंग, किसको, पौधों को, प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स, कब से, सुबह से। तो निश्चित है, सुबह निश्चित होती है, दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम में सेंस लगता है, वाटरिंग प्लांट्स सेंस मॉर्निंग, ठीक है। ठीक है, अब दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। देखिए, बच्चा है, बच्चे का क्या होगा, द चाइल्ड, क्या होगा, द चाइल्ड। और इसके साथ यही लगेगा, विल हैव बीन, द चाइल्ड विल हैव बीन। रोना, रोना का बीप होता है, क्या होता है, बीप, तो बीपिंग। क्राई माने चिल्लाना होता है, बीप माने रोना होता है, तो इसको बहुत ध्यान रखना है।
बच्चा द चाइल्ड विल हैव बीन बीपिंग, कहाँ? कमरे में, इन द रूम। कब से? 2 घंटे से। अब फॉर 2 आवर्स, ठीक है। किसान सुबह से खेतों में काम कर रहे होंगे। किसान द फार्मर, लेकिन यहाँ किसान है तो फार्मर्स बहुत सारे हैं, कोई बात नहीं, लगेगा बिल ही। बिल हैव बीन डूइंग वर्क, कहाँ पर? खेतों में। कब से? सुबह से। तो फार्मर्स बिल हैव डूइंग वर्क, फार्मर्स बिल हैव बीन डूइंग वर्क इन द फील्ड। Since morning, ठीक है। अध्यापक 2 घंटे से बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, तो टीचर्स will have been teaching, teaching से teaching बनेगा, teachers will have been teaching किसको? बच्चों को, मतलब टू द स्टूडेंट्स, टू द स्टूडेंट्स लिखो, चिल्ड्रंस लिखो। 2 घंटे है, और 2 घंटे, ये जो 2 घंटे है अनिश्चित होता है, तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। चिड़िया सुबह से अपने घोंसले में रह रही होगी, चिड़िया सुबह से अपने घोंसले में रह रहेगी, तो चिड़िया के लिए द बर्ड आएगा। द बर्ड विल हैव बीन लिविंग इन हिज, सॉरी, इन हर नेस्ट, NEST, नेस्ट माने घोंसला, अपने घोंसले में रह रही होगी। इन हर नेस्ट, सुबह से है ना, लिविंग इन हर नेस्ट सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से किस कमरे की सफाई कर रही होगी। वह 2 घंटे से, ही Will have been, he will have been cleaning, he will have been cleaning her room since, अच्छा 2 घंटा होगा तो फॉर लग जाएगा, अनिश्चित है, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। वह 1950 से दिल्ली में रह रहे होंगे, तो दे विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। अब 1950 जो है फिक्स है, और फिक्स के लिए सेंस लगता है इन दिल्ली, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंस 1950। लड़कियां 4 घंटे से भोजन पका रही होंगी। गर्ल्स विल हैव बीन, गर्ल्स विल हैव बीन कुकिंग फूड, फूड 4 घंटे, फोर आवर्स, 4 घंटे है, ठीक है। नौकर कल से अपने काम पर आ रहा होगा। द सर्वेंट, समझ में आ रहा बच्चों, द सर्वेंट
विल हैव बीन कमिंग द सर्वेंट विल हैव बीन कमिंग ऑन द वर्क ऑन हिज वर्क सिंस टुमारो मैं सुबह से अपना पाठ याद कर रहा हूँ आई के साथ सेल लगेगा मैंने पहले बताया था आई सेल हैव बीन बाकी सब वही रहेगा आई सेल हैव बीन लर्निंग लर्निंग माई लेसन आई सेल हैव बीन लर्निंग माई लेसन सिंस मॉर्निंग ठीक है हम सभी कल शाम से टीवी देख रहे होंगे तो वी शैल हैव वॉचिंग टीवी हैव बीन वॉचिंग टीवी ठीक है We shall have been watching TV since tomorrow evening. ठीक है दिख रहा है बच्चों We shall have been watching TV since tomorrow evening. गाय चार घंटे से तो दकाऊ बिल हैव दकाऊ बिल हैव बीन ईटिंग दकाऊ बिल हैव बीन ईटिंग ग्रीन ग्रास for 4 hours ठीक है और ये सेंटेंस आपका था फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस और तो यहाँ पर हमने आप क्या सीखा कि अगर सब्जेक्ट हमारा आई बी है तो उसके साथ शैल हैव बीन बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में निश्चित समय के लिए सेंस अनिश्चित समय के लिए भार का प्रयोग करेंगे और इस रूल का प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें लाइक कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगा तो और वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर जरूर करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।